बात करेंगे फलों व सब्जियों की स्वाद और रंग का। देखिए आमले में कसेलापन होता है, ठीक है, किसके कारण होता है? पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? मिर्च में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो साथियों इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो के अंत में जाकर वीडियो को दबाकर लाइक करना, शेयर करना। तो देखिए आमले में कसेलापन है, किसके कारण होता है? वह होता है टैनिन के कारण। किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। एक तत्व पाया था आमले में, उसके जब आप खाओगे तो उसमें क्या होता है, एक कसेलापन होता है, कड़वाहट से हल्कापन होता है, उसे कहते हैं कसेलापन, ठीक है। वो किसके कारण होता है आमले में? टैनिन के कारण। आगे बात कर लेंगे पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते में पीला रंग होता है केरे जीन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। अब बात करेंगे मिर्च में कड़वाहट किसके कारण होती है? मिर्च में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो होती है कैप्सिलिन के कारण इसमें कड़वाहट होती है, ठीक है, या कैप्सिलिन कह लो या कैप्सिलिन कह लो। अब बात करेंगे खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो खीरे में कारण कुकुरबिटेसिन। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। अब बात कर लेंगे करेले की बात कर लें, कड़वाहट होती है मेम्बो ड्रे साइड के कारण कड़वाहट होती है, पाई जाती है। अब बात कर लें टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। अब बात कर लें हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग होता है भैया कुकुरमिन के कारण। अब बात करें मूली में तीखापन, जो मिर्च सी लगती है आपने जो खाई होगी मूली, वो किसके कारण लगती है? तो भाई कह देंगे आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है, ठीक है। अब बात करें आलू में हरा रंग, जो आलू हरा पड़ जाता है वो किसके कारण पड़ता है? ठीक है, तो पड़ जाता है सोलेनिन के कारण। किसके कारण? आलू का हरा रंग किसके कारण पड़ जाता है? सोलेनिन के कारण। अब बात कर लेंगे गाजर में लाल रंग, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण, ठीक है। तो ये प्रकार सारे कुछ टॉपिक थे जो स्वादों के रूप में पहचाने जाते हैं, कुछ कड़वा रंगों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो यहाँ से साथ ही क्वेश्चन बन जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा लाइक करा करो, शेयर करा करो और भाई को ज्यादा सपोर्ट करा करो। अगली वीडियो